नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को दुर्योधन और खुद को कहा अर्जुन। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परोक्ष रूप से खुद को अर्जुन करार देते हुए भाजपा को दुर्योधन कहा है। केजरीवाल ने महाभारत का उदाहरण पेश करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुर्योधन ने श्री कृष्ण से सेना मांगी थी, जबकि अर्जुन ने कृष्ण का साथ मांगा था। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ पूरा तंत्र है, जबकि हमारे साथ भगवान। एक अन्य ट्वीट में केजरीवाल ने कहा कि हमें खबर मिली है कि भाजपा उम्मीदवार वोट खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में पैसा बांट रहे हैं। वे गरीबों के वोटर आईडी भी अपने कब्जे में ले रहे हैं। भाजपा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प। दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके में बुधवार रात भाजपा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। संगम विहार इलाके में आप विधायक रहे दिनेश मोहनिया के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ताओं के एक समूह ने डंडों से उनकी कार को कथित तौर पर क्षतिग्रस्त कर दिया और पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। इस घटना में दो लोगों के जख्मी होने की सूचना है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस मामले में अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। तानाशाह बन रहे हैं नरेंद्र मोदी, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तानाशाह बनने का आरोप लगाते हुए चेताया कि यह आपदा की शुरुआत है। सरकार की ओर से गृह सचिव अनिल गोस्वामी का इस्तीफा मांगे जाने के बाद कांग्रेस ने यह बातें कही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पीसी चाको ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की बर्खास्तगी से नौकरशाही में गुलाहट है। उन्होंने कहा कि यह पहली घटना नहीं है जो दिखाती है कि प्रधानमंत्री तानाशाह बन रहे हैं। दिल्ली में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन भाजपा, आप और कांग्रेस मतदाताओं के बीच आखिरी दांव खेलने की तैयारी कर रही है। गुरुवार शाम दिल्ली में रैलियों, जनसभाओं और रोड शो का शोर थम जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार केवल घर घर पहुंचकर ही मतदाताओं के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे।